राजस्थान में इस समय एक मांग सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है और वो मांग है आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की। लंबे समय से धरने, प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन को एक जोर मिला है क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों को पढ़ाई के लिए समय दिया जाए। मेरे साथ निर्मल चौधरी मौजूद हैं। निर्मल, एक मांग जो इस समय पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित। जी बिल्कुल, ये आरएएस के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्री क्लियर किया है, तो इन लोगों में काबिलियत है, तभी तो इन लोगों ने प्री क्लियर किया है। ये किसान परिवारों के लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर ये आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि चुनाव की वजह से इनमें से जिन लोगों की पहले से गवर्नमेंट नौकरियां लगी हुई है, वो सरकार की सेवा कर रहे थे, विधानसभा चुनावों में अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग तो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये अपना दायित्व निभा रहे थे और सेवा कर रहे थे जनता की और नेताओं के चुनाव को संभाल रहे थे। तो मेरा निवेदन ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये एक बड़ा सपना और एक उम्मीद लेके अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रात और दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, ये आपसे मांग क्या रहे हैं? सिर्फ समय तो मांग रहे हैं। पिछली बार ये लोग इसलिए पीड़ित हो गए क्योंकि गहलोत सरकार के अंदर पेपर पे पेपर लीक होता रहा और इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। सरकार बदल गई तो सिस्टम भी तो बदलना चाहिए। लोगों ने इस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट किया है कि उन लोगों के बच्चों के साथ जो उनके सपने उनसे जुड़े हुए हैं वो साकार होंगे, वो नई दिशा में उनके सुनहरे भविष्य की ओर ये भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, लेकिन ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इन स्टूडेंट्स की पीड़ा को देखिए, इतनी ठंड है कि आदमी बाहर घूम भी नहीं सकता और ये लोग रात और दिन एक करके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि इनको 3 महीने का समय देना चाहिए आपको। निर्मल जी, बात की जाए पहले की जो आरएएस भर्ती परीक्षा हुई है, 5 से 7 महीने का समय दिया गया, लेकिन इस बार ही ऐसी क्या धर्मिता है कि सिर्फ 3 महीने में ही परीक्षा करवानी है? कड़ाके की ठंड में यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना चल रहा है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री से इन्होंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया, परिणाम नहीं निकला। किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में अब क्या इन मंत्रियों के सिर्फ आश्वासन सिर्फ एक कह सकते हैं लॉलीपॉप बन के रहे? जी बिल्कुल, देखिए इतने दिनों से इनसे संघर्ष क्यों करवा रहे हैं, ये क्या मांग कर रहे हैं आपसे? ये आपको ये थोड़ी कह रहे हैं हमारी नौकरी आप लगा दो, ये कोई भर्तियों की मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहे हैं कि जो परीक्षा आप इनको समय नहीं मिल पाया, उचित समय नहीं मिला, तो उसकी वजह से इनको आप समय की छूट इनको दीजिए ना, इनके 3 महीने बाद एग्जाम करवा लीजिए, आपको क्या समस्या आ रही है ये, ताकि अपनी तैयारी कर लेंगे अच्छे से। इन लोगों का भी परिवार है, इन लोगों का भी अपना भविष्य है, कितनी मेहनत करके इन लोगों ने प्री पास किया, रात और दिन एक करके कितनी कोचिंगों में इन लोगों ने फीस भरी है, क्या वो इनके जो फीस के पैसे थे वो यूं ही नकारात्मक दिशा में चले जाए, क्या उसका कोई इनको परिणाम नहीं मिले? एक किसान होता है, वो अपनी फसल बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी फीस भरता है, तो इन लोगों को सिर्फ एक समय नहीं मिलेगा, इसकी वजह से सब कुछ इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अब इन आरएएस अभ्यर्थियों ने आपसे उम्मीद लगाई है, इनकी आवाज़ अब कितनी बुलंद होगी, क्योंकि आपकी छवि एक ऐसी रही है कि जिस मांग को उठाए वो मांग जरूर पूरी। जी बिल्कुल, मैं अपनी जी जान से इन लोगों के साथ हूँ, जितने भी ये आरएएस अभ्यर्थी हैं मेरे से उम्मीद करते हैं उससे 10% ज़्यादा इन लोगों को मैं मदद करने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, आरएएस जो अभ्यर्थी हैं वो कड़ाके की सर्दी में आंदोलन की राह पर हैं, अब निर्मल चौधरी ने पुरजोर तरीके से इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां 27 और 28 जनवरी को ये परीक्षा होनी है, ऐसे में क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की सुनती है, क्या इनके हक में फैसला लेती है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।